जब मैं बड़े डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अपने आप को पीजीआई में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करवा दो कि आपकी क्रिएटिनिन लेवल जो है बहुत हाई हो चुके हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो। किसी भी तरह की बड़ी बीमारी है तो दुनिया में एक ही व्यक्ति आपको ठीक कर सकता है और वह व्यक्ति आपको शीशे में नजर आता है, यानी कि स्वयं। नमस्कार, मेरे साथ एक पेशेंट हैं, ये हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हूं मैं, अनिल कुमार मंगल जी। अनिल कुमार मंगल जी, आपकी उम्र कितनी है और क्या तकलीफ के लिए आप यहाँ आए थे? मेरी उम्र 57 इयर्स ओल्ड है, मैं क्रिएटिनिन का पेशेंट हूँ, हाई बीपी रहता है और मैं आज से 5 दिन पहले यहाँ पे एडमिट हुआ था। जिस दिन मैं यहाँ पे एडमिट हुआ था मेरा क्रिएटिनिन लेवल 8.6 था और 2 दिन की थेरेपी के बाद मैंने फिर से चेक करवाया तो ये 7.6 रह गया। आपको, आप जब बड़े डॉक्टरों के पास गए थे उन्होंने आपको क्या बताया था, क्या करना पड़ेगा? जब मैं बड़े डॉक्टरों के पास गया था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अपने आप को पीजीआई में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करवा दो कि आपकी क्रिएटिनिन लेवल जो है बहुत हाई हो चुके हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होगी। आपको डायलिसिस बताया ही नहीं उन्होंने? डायलिसिस की तो अभी बात हुई नहीं थी, उन्होंने यही बोला कि ट्रांसप्लांट बता दिया। हाँ, सीधा की ट्रांसप्लांट होगी किडनी, तो आप उसके लिए पीजीआई में अपने आप को नाम नोट करवा। तो आपने नाम नोट करवाया फिर वहाँ पे? नहीं, मैंने नाम नोट नहीं करवाया, हमारे एक साथी हैं, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने मेरे को हिम्स के बारे में बताया, देन आई केम हियर एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। आप 5 दिन में जब से यहाँ से आ रहे हो, हाँ, आपको यहाँ पे और भी लोग मिले होंगे, पेशेंट मिले होंगे, आपने हमारे हॉस्पिटल की वीडियोस देखी होंगी, बिल्कुल पेशेंट से बात की होगी। हाँ जी, आपको विश्वास है कि आपकी यही किडनी काम करने लग जाएगी? मेरे को तो अभी विश्वास है कि अभी 5 दिन में और रिवाइव होगी और अच्छा क्रिएटिनिन लेवल जो है 3 या 4 तक पहुंच गया होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपकी, आपको कितने साल से तकलीफ थी, क्या क्या तकलीफ थी आपको? बीपी की तकलीफ तो सर 20 साल पुरानी है जी। 20 साल से बीपी था आपको? बीपी है और उसके लिए मैं जो एलोपैथी मेडिसिन खा रहा था जी, और टच वुड कल जब मैं पंचकर्मा थेरेपी के लिए गया तो मेरा बीपी उस वक्त 125/76 था, बिना मेडिसिन के, बिना गोली। कितने दिन से बंद हो गई आपकी बीपी? गोली 3 दिन हो गई जी। मतलब 3 दिन हो गए हैं इनकी बीपी की गोली बंद हो चुकी है, इनका डायलिसिस नहीं हुआ और सीधा इनको बोल दिया गया 100 करोड़ बड़े डॉक्टरों द्वारा कि आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और इस पानी के टब में बैठ के ये 40 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करवा के, आप खुद देखिए 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है और पानी के टब में इस तरह बैठना होता है जैसे बैठे हैं, नीचे गर्म पानी है 40 डिग्री गर्म और सिर के ऊपर ठंडा पानी है, सिर के ऊपर गीला तौलिया रखा हुआ है। तो ये हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी जिसको आयुर्वेद में अवगाह स्वेद बोला जाता है, इसमें जब आप गर्म पानी में बैठते हो तो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, आपकी तीसरी किडनी एक्टिव हो जाती है जिसको हम स्किन बोलते हैं, आपका क्रिएटिनिन, आपका यूरिया, आपकी बढ़ी हुई शुगर, आपका सोडियम, आपका पोटेशियम, जो कुछ भी बॉडी में एक्सेस है वो सब इस पानी में आ जाता है। अगर इस पानी की जांच करोगे तो वही मिलेगा जो बॉडी में एक्सेस था। तो आपको पूरे देश के लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं जी। जितने भी किडनी फेल के पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस चल रहा है और डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बोला है, तो आप उनको अपनी तरफ से, पंजाब की तरफ से, चंडीगढ़ की तरफ से क्या कहना चाहोगे? यही एडवाइस करूंगा जी कि हिम्स हॉस्पिटल में आओ, अपना ट्रीटमेंट जितनी जल्द से जल्द हो चुके आके शुरू करवाओ विदाउट एनी डिले, मेरा तो यही राय है जी। आपको हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में क्या क्या सिखाया गया है? देखो जी, शुरू में योगा सिखाते हैं जी, सुबह आते हैं हमें, उसके बाद ये वाटर थेरेपी करवाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट में बोलते हैं क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना, उसके बाद पंचकर्मा करवाते हैं, उसके बाद हेड डाउन करवाते हैं, फिर लंच में वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा खाने को मिलता है। गेहूं चावल की जगह आपको यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे वो मिलती है जी अपने मिलेट्स मिलते हैं, मिल्स की रोटी मिलती है, मोटे अनाज, मोटा अनाज मिलता है और सैलड भी मिलता है, साथ में चटनी देते हैं। आपको क्या लगता है कि सारा शरीर का खेल जो है वो खाने पीने से ही है ये दोनों? तो ये पानी जो हमारे 5 तत्व हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन 5 तत्वों में पानी एक बहुत बड़ी थेरेपी है जिसमें बैठकर हम दुनिया को ठीक कर रहे हैं। तो किडनी फेल है, लीवर खराब है या कैंसर है या किसी भी तरह की और बड़ी बीमारी है, किसी भी तरह की बड़ी बीमारी है तो दुनिया में एक ही व्यक्ति आपको ठीक कर सकता है और वह व्यक्ति आपको शीशे में नजर आता है, यानी कि स्वयं अपने आप को व्यक्ति।
खुद ठीक कर सकता है, खुद ठीक कर सकता है। यानी कि सिर्फ हम तो सिर्फ एनवायरमेंट और मदद करते हैं, कॉपरेट करते हैं उस अंदर की शक्ति को, हमारे अंदर के बैठे ब्रह्म को, परम ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को, भूमि गगन वायु अग्नि नीर को जगाने की। रोज सुबह नंगे पांव घास पे चलने को बोला जी, हाँ जी। खाना चबा चबा के खाना होता है, खाने के साथ पानी नहीं पीना होता, पानी को जस्ट पीना होता, चबाना होता है, पानी को चबाना होता है, मतलब पानी को घुट घुट करके पीना होता है, और खाने को पीना होता है, खाने को भी घुट घुट करके पानी बना के लेने की सलाह दी जाती है। तो छोटे छोटे आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के तरीके और शरीर की अपनी हीलिंग पावर से ये 56 साल के, 57 ईयर्स के, तो आपने तो उम्मीद छोड़ दी थी बिल्कुल एक बार हिसाब से तो। हाँ, एक बार तो बहुत डिस्प्रेस हो गया था, मेरी बेटी बॉम्बे में है, वो भी बहुत डिस्प्रेस हो गई थी, वो तो बोली थी पापा जल्दी से जल्दी जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ। लेकिन फिर मैंने उसको बताया कि बेटे मैं हिम्स में आ गया हूँ, अब डेली मैं उसको वीडियो भेजता हूँ, यहाँ से फोटो क्लिक करके भेजता हूँ कि बेटे आज ट्रीट ये हुआ, आज ट्रीट ये हुआ, तो वो भी वहाँ पे खुश है थोड़ी सी, उसको भी हौसला हो गया कि मेरे पापा ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ अभी हिम्स, आप यहाँ पे इस टाइम डेरा बस्सी में हैं, चंडीगढ़ में, अमृतसर, लुधियाना, जोधपुर, जयपुर, लखनऊ और गुड़गांव और दिल्ली मुल्तान नगर में हिम्स स्टार्ट हो चुके हैं। और ये हिम्स ऐसे पेशेंट्स, और आपको ध्यान क्या रखना है, 40 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना है और गर्म पानी में बैठना है और सिर पर ठंडा पानी रखना है। तो ये गर्म पानी की थेरेपी आपकी बॉडी के अंदर के डिपॉजिट्स को, टॉक्सिन्स को निकालती है। सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, आयुर्वेद कहता है सर्व रोग दुनिया में है जितने भी रोग उनका एकमात्र कारण कुपित मल, अंदर की गंदगी को निकालना है। तो अंदर की गंदगी को निकालते हैं हम इस पानी के टब में बिठाकर। अच्छा, इनसे एक बार और पूछते हैं, आपको इसके अलावा, इस थेरेपी के अलावा और क्या क्या फायदा हुआ है, पहले क्या क्या तकलीफ थी और अभी और क्या फायदा लग रहा है आपको 5 दिन में? देखो, मेरा वेट जो है वो 4 किलो कम हो गया, मतलब 5 दिनों में 4 किलो वजन कम हो गया। कम और हो क्या गया। फायदा हुआ है? जो बीपी है जो मेरा वो नॉर्मल हो गया जी, बीपी नॉर्मल हो गया बिना गोली। हाँ, क्रिएटिनिन लेवल पूर्ति बढ़ गई। हाँ, चुस्ती रहती है, अब नींद नहीं आती। पहले मैं वैसे कुर्सी पे बैठता था तो नींद आ जाती थी, मतलब कुर्सी आलस आ जाता, तो अब नहीं आता। मैं 4 दिनों के बाहर बैठा रहता हूँ, डे केयर में हूँ, बाहर बैठता हूँ तो नींद नहीं आती। अब बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, हल्का जिसको बोलते हैं वैसे फील होता है। तो आप लोग सुन रहे हैं, पेशेंट हल्का भी फील करता है, एक्टिव भी फील करता है और नींद भी ठीक हो गई, चुस्ती फुर्ती बढ़ गई, सब है नेचुरल तरीकों से। पानी के टब में बैठना, हेड डाउन टिल्ट, जिसमें 10 डिग्री या 5 डिग्री सिर नीचे रहता है, पलंग की पांव वाली साइड ऊंची रहती है, और तीसरा है पंचकर्मा, जो आयुर्वेद की बहुत बड़ी पुरानी टेक्निक्स है, पूरी बॉडी पे अलग अलग तरह के ऑयल से पंचकर्मा के माध्यम से घुटने खराब हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हो, गर्दन की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना हो, हार्ट का ऑपरेशन कराना हो, नहीं होगा, पंचकर्मा से वो ठीक हो सकता है। बस आपको दुनिया में कौन ठीक कर सकता है, आप स्वयं, आप खुद, बस अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, आयुर्वेद को पहचानिए। हिम्स हॉस्पिटल्स, हिम्स एट होम आपकी मदद के लिए ही है। हमारा मकसद एक ही है, अपना डॉक्टर खुद बने और पूरा भारत स्वस्थ रहे। और इस अभियान में मैं हूं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अवधेश पांडे और 250 डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, जो दिन रात हम रिसर्च करते हैं, पेशेंट्स की केयर करते हैं, पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं और पेशेंट्स की स्टडी करके हम लोग आज की डेट में IIT कानपुर, DAV कॉलेज जलंधर, सुभारती यूनिवर्सिटी, इसके अलावा पिलानी के अंदर यूनिवर्सिटी है, श्रीधर यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी अभी हमारे साथ रिसर्च कर रही हैं कि कैसे किडनी रिवाइव हो रही है। तो किडनी फेल का अगर कोई भी पेशेंट है तो हिम्स हॉस्पिटल में संपर्क करो, यही किडनी काम करना शुरू कर सकती है, बशर्ते आप बदलने को, सुधरने को तैयार हो। धन्यवाद, नमस्कार।